आज उसी का परिणाम है कि हम छात्र 13वीं की तैयारी कर रहे हैं, शाम को 6 बजे 13ही। देखिए 6 बजे आज शाम को अंतिम संस्कार तो हो गया है, शाम को 6 बजे 13ही होगी। और देखिए हम लोग बाल मुंडन करवाए हैं, लिए होते आज 13वीं है, 13वीं का दावत किसको किसको देंगे, मीडिया के माध्यम से दे सकते? मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एमएचआरडी मंत्री, मंत्री तो स्पेशल दिया जाएगा ना। लेकिन जिसको भी रेले हैं ठेल के सही कर दिए हैं। ये है वापस लो, हम आपका मीडिया माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर ये मोहतरमा फीस वृद्धि वापस नहीं लोगी तो यहाँ हम लोग चंद्रशेखर और शहीद पदमधर करे बताइए बचा ही क्या है, करना क्या है, आगे की रणनीति यही है कि बवाल करना है, तांडव करना है, खुराफात करना है, हरकत करना है, विश्वविद्यालय के प्रशासन और जिला प्रशासन के सामने दो दो हाथ करना है। और विश्वविद्यालय की मोहतरमा बेशर्मी हो गई है, बेहई हो गई है, निकम्मी हो गई, इसके तो कुछ समझ में आता नहीं है। विश्वविद्यालय छात्रों का खून चूसना चाहती है। जितना भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार है, पर इलाहाबाद उसे प्रशासन झुकना पड़ेगा, फीस वृद्धि वापस लेना पड़ेगा, इससे कमतर में कुछ मंजूर नहीं। आप नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे 19वां दिन आमरण अनशन का धरना चल रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि कुलपति महोदय का यहाँ पे संस्कार भी निकाला गया और यहाँ पे बाल मुंडन भी करवाया गया, तो वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या आपने किया उनकी प्रक्रिया। देखिए जो हिंदू रीति रिवाज से है, हम लोगों ने कल मुंडन भी उनका शव यात्रा निकाले, उसके बाद उसको जो है जलाया गया शमशान घाट, यहीं पे है शमशान घाट, मुर्दावा घाट बोलते हैं इसको, और यहाँ पे उनको जो अंतिम संस्कार भी किया गया है। और कल हम लोगों ने जो है हिंदू रीति रिवाज से मुंडन भी हुआ, जो बरगद का लान है वहाँ पर मेटिया बांध के उनको हम लोगों ने पर्डे पानी देते हैं। आज उनका 13वीं है, हम आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 6 बजे शाम को 13वीं है, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। तो यहाँ पे मुंडन के बाद आज 13वीं भी है, यहाँ पे क्रांतिकारी सुधीर जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए जैसा कि हम तो आमरण अनशन से करके हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, उसके बाद हमको उसमें जॉइंटिस और प्लेटलेट्स डाउन, हीमोग्लोबिन, बाकी साथी इस आंदोलन को चला रहे थे। जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये तारासाई कुलपतिया महोदया जो आई है और दिल्ली के दरबारों से संचालित हो रही है, और जिसके आका काका जो भी हैं, और सैया भय कोतवाल तो डर का हैं, इसके जो पति हैं, तो इसको भी होश ठिकाने लिया दिया गया है, क्योंकि पिछले चार पाँच छः सात दिनों से ये अभी इलाहाबाद में है नहीं, चली गई है दिल्ली। तो इसको कहना चाहेंगे कि तुम समझो, तुम्हें दिल्ली ही नहीं, कश्मीर की वाडियों में रतनलाल लांगड़ू भटक रहे थे, तुम कलकत्ता की वादियों में घूमोगी, तुम्हें सारा बंदोबस्त कर दिया गया, क्योंकि छात्र यहाँ तो तुम्हें मृत घोषित कर ही दिए हैं, 13वीं मना ही रहे हैं। अब हम मैं जान रहा हूँ कि तुम यहाँ इलाहाबाद संस्कार के दौरान खूब लाठियाँ बरसाई गई, मैं देखिए लाठियाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के छात्रों का इतिहास रहा है, कि चाहे वो लाठी हो, चाहे वो गोली हो, चाहे वो बट बूट हो, वो बहुत सीने पर झले हैं, लेकिन जिसको भी रेले हैं ठेल के सही कर दिए हैं। वापस लो, हम आपका मीडिया माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर ये मोहतरमा फीस वृद्धि वापस नहीं लेंगी तो यहाँ हम लोग चंद्रशेखर और शहीद पदमधर के वंशज हैं, यहाँ शहीद को पदमधर को मानने वाले हैं, हम लोग फीस वृद्धि वापस करवा के रहेंगे, चाहे लाठियाँ पड़े लाठियाँ खाएंगे, मुकदमे पड़े मुकदमे झेलेंगे। आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, आपने कहा कि चमारपासी के नाम पे भगाया जाता है, सीने पे लात मारा जाता है, जिस प्रकार से हम बता देना चाहते हैं, चीफ डॉक्टर नाम लेके कहेंगे हर्ष कुमार, ठीक है, वो हमारे ऊपर सीने में लात मारा था और हमको गाली देके जातिवाद सूचक शब्दों से हमको ढकेला था और हमारे ऊपर जो है दो मतलब लातों से मारा था। हाँ, ये जो है हम, ये हमारा प्रोफेसर है, ये चीफ प्रैक्टर है, जब कुलपति की हम लोग जो है अर्थिया विसर्जन कर सकते हैं, उनको उनका अस्तित्व जो है ना वो मर चुका है ना, तो उसी तरह इनको भी हम भी उखाड़ने फेंकने का काम करेंगे। समय क्या रहेगा? 6 बजे। देखिए 6 बजे आज शाम को अंतिम संस्कार तो हो गया है, शाम को 6 बजे 13ही होगी। और देखिए हम लोग बाल मुंडन करवाए हैं,
हमारे तमाम साथी हैं बाल मुंडन करवाए हुए हैं। इधर हम आपको दिखाएंगे जो कहते हैं हिंदू रीति रिवाज से दाग देते हैं वो हैं, क्या कहेंगे आप जो है कुलपति महोदय? देखिए जब इनके अंदर ममत मर चुका है, जब इनके अंदर प्रेम मर चुका है, जब इनके अंदर अहंकार दम हावी हो चुका है तो अहंकार का अंत होना निश्चित है। आज उसी का परिणाम है कि हम छात्र 13वीं की तैयारी कर रहे हैं, शाम को 6 बजे 13वीं। कल आप लोग जान लीजिए कि कल इनका पूरे रीति रिवाज के साथ आप देख रहे हैं मेरा मुंडन उंडन हुआ, पिंडदान इनका घंट बांधा गया, सब यात्रा निकाली गई। रात को 12 बजे पुलिस लगातार हमको परेशान करी थी, रात दिन में सब नहीं जलाए, रात में हमने सब भी जलाया है। और आप मान लीजिए कि कितनी भी ये गुंडाई कर लें, कितना भी ये दमन कर लें, पर यहाँ का छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, ये न्याय की लड़ाई है। आप सोचिए कि जब यहाँ से गरीब का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, जब किसान का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, जब मजदूर के बेटे का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, यहाँ पढ़ नहीं पाएगा ज़्यादातर फिर के बाद, तो आखिरकार उसके पास क्या विकल्प बचता है? मेरे पास सिर्फ यही विकल्प बचा है कि अब जो मैं हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे परिवार चालू रखते हैं कि हमारे पास अगर 5 बजे फिर वृद्धि 4 बजे फिर वृद्धि हो जाती है तो हम इलाहाबाद विषय नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए अपने पढ़ाई को बचाने के लिए, अपने शिक्षा के अधिकार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए संघर्ष करें। हमारे साथ ही देखिए अमरन सर बैठे हुए हैं, ये लोग कोई यहाँ किसी को शौक नहीं लगाए कि हाँ अपने अतड़ियों को सुखाएं, परंतु यहाँ लड़ रहे हैं, इनकी सॉलिडरिटी में हम लोग खड़े हैं, इनकी सॉलिडरिटी में संघर्ष कर रहे हैं। जितना भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं, पर इलाहाबाद विषय प्रशासन झुकना पड़ेगा, फीस वृद्धि वापस लेना पड़ेगा, इससे कमतर में कुछ मंजूर नहीं। आप लोगों ने बहुत कुछ किया, संस्कार किया, बाल मुंडन किया, वीसी तब भी जो है वार्तालाप करने की तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? अब क्या करें बताइए, बचा ही क्या है, करना क्या है, आगे की रणनीति यही है कि बवाल करना है, तांडव करना है, खुराफात करना है, हरकत करना है, विश्वविद्यालय के प्रशासन और जिला प्रशासन के सामने दो दो हाथ करना है, और विश्वविद्यालय की मोहतरमा बेशर्मी हो गई है, बेहई हो गई है, निकम्मी हो गई, इसके तो कुछ समझ में आता नहीं है। विश्वविद्यालय छात्रों का खून चूसना चाहती है तो हम इसका खून चूस लेंगे, इसके आका जो है दिल्ली वाले हैं, गुजरात वाले, दोनों आका इसके पागल हो चुके हैं, इसकी अगर पागल न होते तो इसकी बात मान लिए होते। आज 13वीं है, 13वीं का दावत किसको देंगे मीडिया के माध्यम से? दे सकते मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एमएचआरडी मंत्री तो स्पेशल दिया जाएगा ना, उस शिक्षा से जुड़ा आदमी है, उस हम लोगों के ऊपर कुठाराघात कर रहा है, शिक्षा पर चोट कर रहा है, या क्या यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत था? क्या गांधी का यही अब भारत था कि आज़ाद भारत में नौजवान शिक्षा से वंचित हो जाए, नौजवान शिक्षा के लिए दर दर भटके, यहाँ मोटी रकम अडानी अंबानी के पूत सपूत, अडानी अंबानी के औलाद आए और विश्वविद्यालय में मोटी मोटी रकम दे के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े, यही विश्वविद्यालय में क्या अम्बेडकर का सपना था, लोहिया का सपना था? लोहिया जी ने कहा था कि अगर राष्ट्रपति का संतान या भंगी की औलाद सबको शिक्षा एक समान, क्या यही दोष है गरीब कुल में पैदा होना? ये अभी समझ ले मोहतरमा, ये कान खोल के सुन ले, होश में हो जाए, नहीं तो इसके आका इसकी नहीं बचा पाएंगे। और इसकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय 40,000 छात्रों का है, ना कि इसके बाप की बपौती है विश्वविद्यालय में, हमेशा ये विश्वविद्यालय छात्रों का है, नौजवानों का है, ना कि अडानी अंबानी और टाटा बिरला का विश्वविद्यालय नहीं है, और इसको हम बनने नहीं देंगे। अडानी चाहती है देश दुनिया में एक दूसरे स्थान पर हो जाए, लेकिन ये विश्वविद्यालय छात्रों का है, गरीबों का है, मजदूरों का है, मजलूमों का है, कमेरों का है। ये विश्वविद्यालय रतन लाल हंगलू इससे पहले इनके खुदा थे, रसिया रतन लाल, उसको भी इनके इनसे ज़्यादा कई गुना गुमान था कि मैं भी अपने घमंड और गुरूर में चूर था। लेकिन नौजवान, अगर तुमको इलाहाबाद हाई कोर्ट बचा लेगी, सुप्रीम कोर्ट बचा लेगी, लेकिन ये 40,000 छात्रों से तुमको कौन बचाने आएगा, बताओ इस देश में कौन बचाएगा? इसलिए यहाँ खड़े हो, इस 40,000 छात्रों के चीखों से पूछो, उनके माँ बाप के आशाओं से पूछो, उनके माँ बाप के सपनों से पूछो, उनके बुढ़ापे बाप की लाठी के सहारों से पूछो, उनकी बिन भाई बहन के हौसले से पूछिए कि ये जो 400 गुना फीस पर बढ़ी है नौजवानों के ऊपर क्या गुजर रही है, उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है? उनकी माँ बाप बड़े उम्मीद से भेजते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा बेटा जाएगा, नौजवान जाएगा, मेरी बेटी जाएगी तो मेरे सपनों को आगे ले जाएंगे, मेरे बुढ़ापे की लाठी के सहारा बनेगी, मेरे आने वाले 2 जून की रोटी का सहारा बनेगा। लेकिन आप उनके पैर पर लात मारने का जो काम कर रहे हैं मोहतरमा, ये नहीं बर्दाश्त है, कतई नहीं बर्दाश्त।
आदर्श है, नौजवान इसके लिए चाहे किसी भी रास्ते को अपनाए। अब तो हम गांधी को पूछते पूछते परेशान हो गए हैं, अब गांधी को नहीं पूछ पाएंगे, अब हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल अशफाक को पूछने का काम करेंगे। अब विश्वविद्यालय को और जिला प्रशासन को भी चेता देना चाहते हैं, आप बीच में मस्तस्ता मत करिएगा जिला प्रशासन के लोग, इनसे तो हम जब चाहेंगे तब लड़ लेंगे, इनको हम राइट फाइट टाइट दो मिनट में कर देंगे। इनके जो आका हैं, या आका हमको रोकेंगे, हैसियत है, आका को भी बता देना चाहते हैं, अरे देश के प्रधानमंत्री तुम यही परेड ग्राउंड में 2014 के पहले आए थे और तुमने ही कहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गौरवमय इतिहास है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने न जाने कितने विभूतियों को पैदा किया, तो हम आपको बता देना चाहते हैं ये वही कर्मभूमि है, ये वही जन्मभूमि है, ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जहाँ से चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह, गुलजारी लाल नंदा और हमारे शंकर दयाल शर्मा, होमी जगीर भाभा, मेघनाथ साहा और महादेवी वर्मा जैसे तमाम शख्सियतों ने पैदा किया शिक्षा के क्षेत्र में। आज हमारे डीएस कोठारी साहब रहा और उसके बाद डॉक्टर सुभाष का सब जो देश के सबसे संविधानविद हैं, हम उनसे भी प्रेरणा लेते हैं, विश्वविद्यालय हमारा है ना कि आपके बाप की बपौती है। यहाँ से जो है पाँच पाँच प्रधानमंत्री निकल चुके हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ये वो शख्स हैं जो आमरण अनशन के दौरान हॉस्पिटलाइज हो गए, उसके बाद निकल कर आए हैं, जानेंगे कैसे कैसे क्या हुआ, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है क्या? नहीं, वो स्वास्थ्य में तो हल्का सा ज्वाइंटिस है और प्लेटलेट्स डाउन है, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि साजिशन चरागा को बुझाया जा रहा है, हमारा वजूद हम ही से मिटाया जा रहा है, साजिशन चरागा को बुझाया जा रहा है, हमारा वजूद हम ही से मिटाया जा रहा है, लबों को सिलने की जो साजिश चल रही है मेरे रबर मेरे निजाम, अब लबों पे इनकलाब का गीत गाया जा रहा है, गाया जा रहा है। बस इतना बताना चाहेंगे कि ये जो देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री बैठे हैं, ये चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? छात्रों के ऊपर बल बूटा पुलिसिया दमन हो रहा है, हमारे जो मैं हॉस्पिटल में भर्ती था उसके बाद हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे डाल दिया गया, अपराधीकरण किया जा रहा है, इस विश्वविद्यालय का बाजारीकरण किया जा रहा है, जिन कंधों में कापी और किताब होने चाहिए उनमें हाथ में मसाल चल रही है, जिनके पेट में अन्न के दाने होने चाहिए वो आमरण अनशन करने पर अपने पेट को खाली करने पर मजबूर हैं, आखिर में इस देश का भविष्य और मुस्तकबिल किस ओर जा रहा है सोचने और विचारने पर मजबूर कर दिया इस बाजारीकरण के दौर में। ये जो देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री और देश का शिक्षा मंत्री, ये चुप्पी साध के बैठे के हुए हैं, ये पूछ रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और का समझाना चाहते हैं कि जो तुम्हारी भेजी हुई है दूध, जो बैठी हुई है कुलपतिया जो मानसिक रूप से ग्रसित होती है, और इसकी जो अंडाल चंडाल चौकड़ी है जो इसके DSW डॉक्टर प्रैक्टर जो इसके एक जो इसके इसकी दलाली में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली इसकी PRO है, जो CPA सलाहकार है जया कपूर उसका नाम है, जो कहती है कि मैं अंग्रेजी में बात करना जानती हूँ, तो हम बताते हैं हम गांव गरीब के बच्चे हैं, हम तुमको भोजपुरी में भी समझा देंगे या फ्रेंच में भी समझा देंगे, तो उसको उसको बताने के लिए हम बता रहे हैं कि सुन जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ फ्रेंच, जर्मनी और उर्दू और तमाम वो कहती लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, हम लोग भोजपुरी भी आता है, जो उस भाषा में कहोगी उस भाषा में तुमको इलाज हो जाएगा। ये कह रही थी कि हमारे छात्र हमारे साथ है, तुम छात्र पैदा करती हो क्या? 36,000 छात्र पैदा की हो क्या तुम? तुमसे पूछना चाहते हैं। ये कह रही कि हमारे छात्र हमारे साथ है फीस वृद्धि के समर्थन में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अगर एक भी छात्र फीस वृद्धि के समर्थन में हो जाएगा उस दिन धरना छोड़ दिया जाएगा, आंदोलन करना छोड़ दिया जाएगा, ये मुखालफत में फड़ी हुई है। और इसके बताना चाहेंगे तुम्हारा बेटा रसिया लंदन और ऑस्ट्रेलिया जर्मनी फ्रांस में जाके पढ़ाई कर रहा है, यहाँ कमेरावादी और किसान किसी के बच्चे आते हैं, मजदूर के बच्चे आते हैं, यहाँ फावड़ा चलाकर किसान का बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, और उससे हम बताना चाहेंगे सुनो जया कपूर, आंदोलन समाप्त होने के बाद तुम्हारे तुम्हारे केबिन में बंद करके तुमसे सवाल और जवाब कर लिया जाएगा, जिस विभाग की प्रोफेसर ना उसकी डिग्री के हिसाब लिया जाएगा, ये अनपढ़ गंवार और जाहिल लोग इस विश्वविद्यालय को चला रहे हैं, और देश में भी प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है, वो भी फर्जी आदमी इस देश का प्रधानमंत्री है, ये जो आमा तामा पमा बना के जो उल जुलूल और देश की जनता गुमराह करके प्रधानमंत्री बन रहा है, जो हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगा कर जात पात ऊंच नाच अमीरी गरीबी की खाई बढ़ा कर जो देश का प्रधानमंत्री बना, जिसकी कुर्सी के नीचे नाक लाखों लाशें नीच के दब के वो सत्ता पे आसीन हुआ है, गुजरात का दंगा कौन नहीं जानता है, उसका तड़ीपार गृह मंत्री कौन नहीं जान रहा है, हम लोग नहीं जान रहे क्या?
इसके दोबारा प्रधानमंत्री की पुलवामा हमले की साजिश हम लोग नहीं जानते हैं का? हम लोग नहीं जानते हैं का? उसका बेटा जैसा अभी सीसीआई का सेक्रेटरी बन के घूम रहा है, परिवारवाद पर यह बहुत बड़ा होती आलोचना होती करता है, हम लोग सब कुछ जान रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ बहन सुश्री मायावती का, उन्होंने भी ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है और सदन को वॉकआउट किया है। देश के जितने भी लोग इस सत्तावादी फांसीवादी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सभी पार्टी दलों ने हमारा समर्थन किया, उन सभी पार्टी दलों को, राजनीतिक दलों को और यूनियनों को, जितने किसान यूनियनों, मजदूर यूनियनों, जो हमें समर्थन देने का काम किया, उनका बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा। और एक शेर ये कहना चाहूँगा कि हम प्यार मुल्क से कभी जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत को कभी खाली नहीं करते, छाती पे चढ़कर बोलना आदत है हमारी, हम किसी हुकूमत की दलाली नहीं करते, हुकूमत की दलाली नहीं करते। आंदोलन इलाहाबाद का बहुत उग्र हो गया है, हमारे साथ में छात्र नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 19वां दिन आमरण अनशन का हो गया, अभी तक कुलपति महोदय वार्तालाप करने की आ नहीं रही हैं, क्या कहें? देखिए कुलपति महोदया खुद ही जाली हैं, उनके पास खुद ही यहाँ के कुलपति होने की डिग्रियाँ नहीं, उनके पास योग्यता नहीं है, तो हमारे सामने क्या करने आएंगे? और हम छात्रों का दुख दर्द ना ही ये सरकार समझ रही है और ना ही यहाँ के कुलपति की समझ रही है। कुलपति महोदया को सरकार के इशारों पर जिस काम के लिए यहाँ पे भेजा गया है, उस काम को बखूबी वो निभा रही हैं। उनको भेजा गया है कि जाओ छात्रों का शोषण करो, जाओ यहाँ के छात्र जो ISPCS की फैक्ट्री कहा जाता था, जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उसकी उस गरिमा को धूमिल करो। आप अगर आज का डाटा देखेंगे तो विश्वविद्यालय जहां दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसकी रैंकिंग जाके गिरी है 300-400 स्थान पर पहुंच गया। इस पर विश्वविद्यालय का ध्यान नहीं जा रहा, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं है, इस पर विश्वविद्यालय का ध्यान नहीं जा रहा। पानी पीने के लिए पानी तो आ रहा है, लेकिन अगर पीने जाएंगे तो पीने से पहले प्यास बुझ जाएगी उसकी दुर्गंध सूंघकर। साफ़ सफाई नहीं, इसका ध्यान नहीं है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे वृक्षारोपण नहीं हो रहे हैं, उसकी आपको चिंता नहीं है, लेकिन चिंता ये है कि एक आम और गरीब छात्र का बेटा कैसे पढ़ लिख कर IAS बन सकता है, उस पर इनकी चिंता है और इस सरकार की नज़र है कि उसको काट दिया जाए, उसकी जड़ को काट दिया जाए, जहाँ से वो IAS और PCS बनता है उसी जड़ को काट देंगे तो बनेगा कहाँ से। ये सरकार ने एक समय था, उस समय कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी, अब बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार फलाने की सरकार, इस तरह के तमाम एडवर्टाइजमेंट किए गए, तो 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया गया था, लेकिन आज वही युवा दर बदर भटक रहा है अपनी डिग्रियों को लेकर, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। बात यह है कि हमारे कुछ साथी, ये लगभग 7-8 साथी अनशन पे बैठे हैं। अब कल हम परसों हम लोगों ने शव यात्रा निकाली थी, कल शुद्ध संस्कार किया जिसमें हमने सर बनवाया उनके समर्थन में, और आज हम शाम को 6 बजे, ये वो शख्स हैं जो उनके अंतिम संस्कार के बाद मुंडन मुड़ मुड़वाए हैं, आज 13वीं है जी, आज 13वीं है, तो उसमें हम सभी को आमंत्रित भी किए हैं और मीडिया बंधुओं को, और हमारी जो मांगे हैं फीस वृद्धि, इसको वापस लिया जाए, ये हम लोग जायज़ मांगों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, जैसे आपको बढ़ाना भी था तो 10-20% बढ़ा दी, और जो आप ये दलील देती हैं कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बढ़ गई हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि BHU की फ़ीस बढ़ने के बाद भी 1700 रुपये है, वहाँ के हॉस्टलों की फ़ीस 8,000 या 9,000 रुपये है, और यहाँ के हॉस्टलों की फ़ीस 45,000 कर दी गई है। तो ये दलील देना बंद कीजिए, और मोहतरमा आपको अगर चाहिए तो मैं उसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनका भी दे सकता हूँ, और AU का मिलान करवा लीजिए, तो आप कृपया करके इसको वापस कर दीजिए, अन्यथा ये आंदोलन प्रतीकात्मक से कब उग्र हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि मामले को लेकर आंदोलन बहुत उग्र हो गया है, आज शाम को कुलपति महोदय का 13वीं है।